एडवेंचरस इसलिए क्योंकि हमने भक्ति शादी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वल्गैरिटी एंड सेक्सीनेस। People say that beauty comes in all sizes, and today I'm here to make you believe in it. Hello everyone, this is Janvi Hatte, and you know me well as Curvy Janvi. I'm a plus size model, power garba fitness instructor, dance teacher, and a body positivity influencer. Today I'm here with Team Fem Focus, and I'll be answering to the interesting questions. Hope you all are excited to know more about me. So let's get started. Firstly, I would like to thank Team Fem Focus for giving me this wonderful opportunity, जहाँ मैं अपनी life के कुछ यादगार moments अपने fans के साथ share कर सकूँ. So many of you might get surprised that I was a sport person once. I was a district level volleyball player, and I have represented my school as well as my college. Volleyball was not the only sport that influenced my teenage life. I was very much attracted towards dancing, and dance has played a major role in my life. After graduation, I went to many dance classes and learned several dance forms like hip hop, salsa, but Bollywood style is comes the most important turning point of my life. In one of my dance classes, I met someone, and today that someone is my husband. It was a quite interesting and adventurous story. Adventurous isliye kyunki humne bhakti shaadi ki thi, but wo story kisi aur din ke liye. Within a year we were blessed with a baby boy, and wahan se shuru hui meri asli life ki shuruaat. बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब तो तुम माँ बन चुकी हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हें अपने बेटे पे फोकस करना चाहिए, सो तुम्हें अपने ड्रीम को गिव अप करना पड़ेगा. मैंने भी सोचा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं कि जो माँ बनने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं, अपना करियर गिव अप कर देते हैं. तो तब तक तो मैं कुछ थी भी नहीं, तो मैंने सोचा कि यस, मुझे भी अपने ड्रीम्स गिव अप करने चाहिए और अपना फोकस अपने बच्चे पे रखना चाहिए. बस मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हें अपने ड्रीम्स गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने ड्रीम्स कम्प्लीट कर सकती हो. नासिक में पहली बार एक सेलिब्रिटी डांस वर्कशॉप हुआ था सरोज खान मैम का, और ऑर्गेनाइज़ किया था नृत्य मंच ने, तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाई. और 10 डेज मैंने बहुत कुछ सीखा सरोज खान मैम की टीम के साथ. एंड ऑन द 11th डे वी हैड अ ग्रैंड शो, एंड जहाँ पे सरोज खान मैम ने मेरा उनको मेरा डांस इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी स्टाइल में मुझे 101 रुपए का बख्शीश दिया. और दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि उन्होंने मुझे मेरा डांस उन्हें मेरा इतना पसंद आया. उसके बाद मुझे सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली अगेन बाय नित्य मंच, एक और सेलिब्रिटी वर्कशॉप, बट दिस टाइम इट वाज गणेश आचार्य सर. उनकी टीम के साथ 10 डेज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला, और ऑन द 11th डे गणेश आचार्य सर के सामने परफॉर्मेंस करने का भी मौका मिला. वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, एंड मैंने देन आई स्टार्टेड टेकिंग बच्चों के डांस क्लासेस. बहुत सारे लोगों ने उसके बाद फिर मेरे वेट पे बोलना शुरू किया कि तुम मोटी हो गई हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें तुम्हारा वेट कम करना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं दिखता एंड एवरीथिंग. सो मैंने भी सोचा, तो मैंने जुम्बा क्लासेस ज्वाइन किया, एंड आई स्टार्टेड लविंग इट कि वो एक डांस फिटनेस है. तो वो होने के बाद फिर सुचेता पाल मैम वॉज इन नासिक, तो एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के साथ, सो मैंने वो ज्वाइन किया. जुम्बा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग मैंने ली. Then I become the official Zin member, and I started taking classes, and बहुत अच्छा response मिला मुझे लोगों से. Year after becoming a Zumba instructor, I got introduced to another fitness form, that is Power Garba fitness program by Satyajit Vora sir, and I took the opportunity and I became a Power Garba fitness instructor. During this time, मैंने notice किया कि बहुत सारे पतले लोग हैं कि जो बहुत जल्दी थक जाते हैं. वेर एज मी माई सेल्फ बींग अ फैट, आई वॉज एबल टू डांस फॉर अ लॉन्गर पीरियड. और तब समझ में आया कि फिटनेस और साइज का कोई कनेक्शन नहीं.
मॉडल इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो वन डे आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आई वॉज गेटिंग रेडी एंड आई आस्क्ड माई हस्बैंड कि तुमको नहीं लगता कि मैं मॉडल बन सकती हूँ. सो ही आस्क्ड मी कि क्या तुम बनना चाहती हो. सो आई वॉज लाइक नहीं यार मैं मजाक कर रही हूँ. सो ही आस्क्ड मी अगेन कि सीरियसली क्या तुम बनना चाहती हो. तो मैंने कहा सो ओके सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो हमने वहाँ से शुरुआत की. फर्स्ट हमने किया इंस्टाग्राम का पेज अकाउंट ओपन किया एंड देन वी स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स. मेरे हस्बैंड ने उनके ही फ़ोन में क्लिक पिक्चर्स क्लिक करना शुरू किया एंड देन वी स्टार्टेड पोस्टिंग इट. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा बट देखते ही देखते विद इन अ फ्यू मंथ्स 10K, 20K, 30K फॉलोअर्स बढ़ने लगे. सो आई वॉज सो सरप्राइज कि ओके सो ये बहुत अच्छा शुरुआत हुई. देन आई स्टार्टेड गेटिंग कोलैबोरेशंस देन एवरीथिंग स्टार्ट एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ मॉडलिंग. एंड उसके कुछ महीने बाद नासिक में हमारे एक पेजेंट हुआ दैट इज़ लूमिया क्वीन. सो बाय स्वराली देवलीकर एंड वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया. वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया. बहुत कुछ सीखने को मिला. ग्रूमिंग हुई हमारी रोहन मेहता सर से एंड या बहुत सारे दोस्त बने. बहुत अच्छा स्टेज कॉन्फिडेंस हमको मिला और बहुत सारे लोग वहाँ पे जैसे लविना तेवर मैम है, पूनम कनव मैम, रश्मित मैम, इनके जैसे बहुत सारे अच्छे सपोर्टिव लोग मुझे मिले जो आज भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. एंड वहाँ से शुरुआत हुई एंड यस जब शो आया एंड आई वन द पेजेंट एंड विद द सबटाइटल ऑफ व्यूवर्स चॉइस 2019. तो ये था मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म. सरोज खान और गणेश सर के बाद का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था वो था लूमिया क्वीन. थैंक यू सो मच स्वराली फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. आफ्टर विनिंग लूमिया मुझे विया अवार्ड्स के बारे में पता चला. दैट इज़ वुमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड एंड आई नॉमिनेटेड माई सेल्फ एंड इट वॉज सो सरप्राइजिंग दैट आई गॉट सिलेक्टेड. एंड उसके लिए मुझे जयपुर बुलाया गया था बट ड्यू टू सम शूट्स एंड डेट्स सो मैं नहीं जा पाई. सो विया टीम ने मेरा अवार्ड मेरे घर पे भेजा. एंड इन दिस फेब 2020 सबसे बड़ा कोलैबोरेशन मुझे मिला दैट इज शीन एंड पापे. आई वॉज सो 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 एक्साइटेड. एज यू कैन सी आई एम स्टिल वेयरिंग शीन आउटफिट. यू कैन यूज़ माई कूपन कोड दैट इज Q1Janhvi to get 10% discount on the entire website. Yes, मुझे बहुत सारे बिकिनी एंड बोल्ड शूट्स के लिए ऑफर्स आए थे बट आई थिंक कि गोइंग बोल्ड ये ज़रूरी नहीं है इन द मॉडलिंग. एज यू कैन सी अगर आपने मेरा प्रोफाइल चेक किया होगा तो मेरी एक भी बोल्ड पिक्चर नहीं है बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अब तक. और ये अभी एक साल ही हुआ है. सो लेट्स सी अगर ये अच्छा जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो यस आई कैन डू बोल्ड शूज टू. वेल देर आर मैनी पीपल दैट इट थिंक दैट मॉडलिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजिंग बॉडी पार्ट्स. वेल आई डोंट अग्री टू दिस. अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा तो मैंने आज तक एक भी बोल्ड शूट नहीं किया है एंड आई न्यू फ्यू मॉडल्स कि जिन्होंने भी बोल्ड शूट या बॉडी पार्ट एक्सपोज नहीं किया है बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल इनफ. If someone is comfortable in showing body parts or being bold, so I think it's their personal choice. उसमें कुछ गलत नहीं है. And yes, you need to understand that there is a difference between vulgarity and sexiness. There is difference between going bold to nudity. अगर आपको इसमें से difference अगर समझ में आ गया तो I don't think कि modeling को समझना इतना मुश्किल है. Yes, there are a lot of scope into this plus size industry and there are many more opportunities coming into this field. My suggestion to all the newcomers would be that just accept yourself, be yourself for who you are, what you are, and start with the Instagram because Instagram is the best platform to start your career. मैंने भी अपनी शुरुआत Instagram से ही की थी. Instagram में मुझे बहुत अच्छा exposure दिया है. Instagram ने मुझे मेरी आइडेंटिटी दी है एंड आई होपफुली यू विल गेट योर आइडेंटिटी टू. आई डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म गोल्स बट येस आई डू हैव अ शॉर्ट एम टू बी अ पार्ट ऑफ लैक्मे फैशन वीक एंड होपफुली आई विल बी कम्प्लीटिंग माई एम सून. अ वेरी बिग थैंक यू टू टीम फिल्म फोकस फॉर दिस लवली
answering to their questions. And please guys, do check out Team Film Focus and stay tuned for their amazing content. See ya till then. See you next time. So bye bye. Stay home, stay safe.